Basically, what we are doing is to appreciate the beauty of tradition that we have. और अपने जो roots हैं उनके साथ connect होना और nature के साथ connect होना, then उसको किसी भी art के किसी भी form में लेकर आना और उनसे inspiration लेना. In the beginning, the basic shape of paisley was something that developed interest in me. Then I started to read different books from different authors. और एक चैलेंज मेरे लिए ये भी था कि उसको मैं समझूँ सरफेस को, स्टिचेस को, जो ऑलरेडी यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्स और स्पेशली इन कश्मीर जो यहाँ पे हो रहा था. और मज़े की बात मुझे ये लगी कि ये टाइम टू टाइम कैसे एवॉल्व हो रहा है, हर कल्चर में, हर इरा में इसकी वोकेबलरी चेंज हो रही है. और दूसरा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये डेवलप हुआ कि जब ये सब कुछ साथ साथ स्टडीज़ भी चल रही थी, देन नेचर में हम पत्तों पे भी हमें ये नज़र आना स्टार्ट हो गया, फ्लावर्स में भी स्टार्ट हो गया. और आप अगर फिश को देखते हैं, फिश में भी है. किसी पिजन को देखते हैं, पिजन भी बिल्कुल पेजली की तरह है. तो देट वॉज समथिंग जहाँ से हमारी अब बिगनिंग थी. और इसमें हमारी पेजली वक्त के साथ साथ डेवलप भी होती गई, और हमने जहाँ से स्टार्ट किया था और वक्त के साथ साथ इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और ये काइंड ऑफ प्रॉपर एवॉल्व होती गई. जो बेसिक शेप थी स्टार्टिंग में वो और जो अभी जहाँ पे हम हैं वो काफ़ी फ़र्क है. नेचर में अ काइंड ऑफ एक मूवमेंट और अ काइंड ऑफ एक ब्रीज, और उसको इनकॉर्पोरेट करना अपने काम में और स्टिचेस को समझना. और एक इतना टाइम हमारा इसमें गुजरा कि हमारे इसमें डिस्कवरीज मेस्ट्रोस के साथ बैठ बैठ के, उनके साथ काम कर करके, जो पुराने एक टेक्निक से और साथ साथ उनके साथ काम करके, एक्सपेरिमेंट्स करके स्टिचेस में नए टेक्निक्स और कलर्स में. और इसमें हर पीस की, हर इन ईच पीस उसकी जो अपनी आइडेंटिटी बनना स्टार्ट हो गई, और हर सरफेस की अपनी एक डिमांड हो गई. और उसकी जितने भी टाइप्स है और सरफेसेस थी उसमें हमने पेजलीज की जो है उसी तरह उनको उस डिमांड के मुताबिक उनको डिज़ाइन किया.